महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने। शिवसेना कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, कहा विधायक हमारे साथ, सरकार हम ही बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनने से पहले देवेंद्र फडणवीस के यहां बगला मुखी अनुष्ठान, नलखेड़ा के पंडितों ने करवाई पूजा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा महाराष्ट्र नोड़ा संविधान का माहौल, शिवराज बोले सब ठीक हुआ। और हनी ट्रैप में फंसे शिवराज के करीबी अफसर एसके मिश्रा और श्वेता की डर्टी टॉक का ऑडियो वायरल। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार सुबह उस वक्त खलबली मच गई जब बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एनसीपी के अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले तक एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने की कवायद में लगे थे। शनिवार सुबह 8 बजे राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और एनसीपी के अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई। अब देवेंद्र फडणवीस सरकार को 30 नवंबर तक बहुमत साबित करना है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और बहुमत साबित करने के लिए 145 विधायकों का समर्थन जरूरी है। महाराष्ट्र में स्थायी सरकार बने, इसीलिए एनसीपी के अजीत पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाने का रास्ता खोल दिया। शनिवार सुबह देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा के पास अपने 105 विधायक हैं, वहीं कहा जा रहा है कि अजीत पवार के पास एनसीपी के 30 विधायक हैं। इसके अलावा 14 निर्दलीय विधायक अपना समर्थन भाजपा को दे चुके हैं। इस तरह यह आंकड़ा 149 होता है। वैसे भाजपा नेताओं का दावा है कि उनके पास कुल 170 विधायकों का समर्थन है। शपथ लेने के बाद अजीत पवार ने कहा कि शिवसेना रोज नई नई शर्त लेकर आ रही थी, जबकि हम स्थायी सरकार चाहते थे, इसीलिए भाजपा के साथ जाकर सरकार बनाने का फैसला किया। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा और एनसीपी मिलकर महाराष्ट्र को स्थायी सरकार देंगे। उन्होंने मीडिया से चर्चा में शरद पवार का नाम नहीं लिया, लेकिन अजीत पवार को दो बार दादा भाई पवार कहा। इससे पहले शुक्रवार को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की बैठक के बाद जैसे ही शरद पवार ने कहा कि सरकार बनाने को लेकर सहमति बन गई है और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर भी एक राय है, तो तस्वीर लगभग साफ हो गई थी। देर रात यह भी स्पष्ट हो गया था कि उद्धव ठाकरे सीएम बनने को राजी हो गए हैं। राज्य में नई सरकार बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी को सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने पर बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि दोनों मिलकर महाराष्ट्र के सुनहरे भविष्य के लिए बेहतर काम करेंगे। महाराष्ट्र में राजनीति में शिवसेना को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। सरकार बनाने की आस में भाजपा से गठबंधन तोड़ने वाली शिवसेना सरकार बनाने में नाकाम रही है। एनसीपी में शिवसेना के बजाय भाजपा को तरजीह देते हुए उनके साथ गठबंधन कर लिया। इसके साथ ही शिवसेना का महाराष्ट्र में अपना सीएम बनाने का सपना फिर टूट गया है। इस बीच शरद पवार ने भाजपा के साथ एनसीपी के जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम से किनारा करते हुए कहा कि वे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, यह अजीत पवार का निर्णय है। वहीं कांग्रेस ने शरद पवार पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अजीत पवार के मन में पाप छुपा हुआ था और उनकी बॉडी लैंग्वेज शंकास्पद थी। शरद पवार भी उन्हें देख रहे थे। इसके बाद वो वहां से चले गए और उनका फोन बंद आने लगा। बाद में मालूम हुआ कि वो किसी वकील के साथ थे। ये आज सुबह समझ आया कि किस वकील के साथ थे। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में एक बात कहते थे कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि महाराष्ट्र में हम ही सरकार बनाएंगे, हमारे सारे विधायक हमारे साथ हैं, राज्य में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम से कांग्रेस हैरत में है। सुबह महाराष्ट्र में सरकार बनाना उसे सब कुछ फेक न्यूज जैसा लगा।
उसके बाद कांग्रेस नेताओं ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को आड़े हाथों लिया, लेकिन जब इस बारे में शरद पवार की सफाई सामने आई तब कांग्रेस ने चैन की सांस ली। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा कि हमारे सारे विधायक हमारे साथ हैं, हम सभी मजबूती से खड़े हैं। पटेल ने कहा कि राज्य में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन की सरकार ही बनेगी। भाजपा पर निशाना साधते हुए अहमद पटेल ने कहा कि भाजपा ने बेशर्मी की इंतहा कर दी है। उन्होंने राज्यपाल द्वारा लिस्ट को वेरीफाई न करने पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि आज का राज्य के राजनीतिक इतिहास का दिन काली स्याही से लिखा जाएगा। बिना बैंड बाजा बारात के शपथ ग्रहण समारोह किया गया। न बाजा न बारात, उसके बिना जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की शपथ दिलाई गई, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के इतिहास में ये घटना काली स्याही से लिखी जाएगी। बिना वेरिफिकेशन एक नेता जाते हैं, लिस्ट अपनी सबमिट करते हैं, जिस तरह से उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिस तरह से सबसे बात होनी चाहिए, विधिवत जिस तरह से स्वागत विधि होनी चाहिए वो नहीं हुई, बल्कि जैसे चुपचाप सुबह सुबह बिना किसी को बताए हुए, सिर्फ मेरे ख्याल से मीडिया के सिर्फ ANI थे, और जिस तरह से शपथ विधि की है उसी से मुझे बू आ रही है कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले देर रात देवेंद्र फडणवीस ने मां बगलामुखी की आराधना की। मध्य प्रदेश के नलखेड़ा से बगलामुखी पीताम्बरा शक्तिपीठ के पंडितों ने फडणवीस के अनुष्ठान को हवन के साथ पूर्ण करवाया। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच देवेंद्र फडणवीस बहुत शांत नजर आए। फडणवीस इस दौरान मां बगलामुखी पीताम्बरा माई की सेवा में लगे रहे। महाराष्ट्र की उलझी हुई राजनीति के बीच कल अचानक मध्य प्रदेश के नलखेड़ा से पंडितों को मुंबई बुलाया गया। उसके बाद देर रात देवेंद्र फडणवीस के निवास पर मां बगलामुखी का अनुष्ठान शुरू किया गया। पीताम्बरा माई के अनुष्ठान के साथ ज्यों ज्यों हवन की संविधा अग्निमान हो रही थी, वैसे वैसे देवेंद्र फडणवीस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। देवेंद्र फडणवीस के निवास पर हुए अनुष्ठान के बाद मां बगलामुखी की आरती हुई। देवेंद्र फडणवीस के मित्र और परिवार की मां बगलामुखी में असीम आस्था है। यही वजह है कि परेशानी के इस दौर में फडणवीस ने एक परेशान करने वाली रात को मां का अनुष्ठान किया और उसके बाद सुबह एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। फडणवीस के करीबी लोग बताते हैं इस अनुष्ठान और मां की कृपा ही है कि वे विषम परिस्थिति में भी शांत रहते हैं, और मां की कृपा से वे बहुमत साबित करने में भी सफल होंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी के नेताओं ने मिलकर सरकार बनाने में सफलता हासिल की तो जाहिर है इस पे सियासत भी गरमानी थी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण बनाने में लगी रहीं, और अचानक सुबह बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एनसीपी के अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद बीजेपी जश्न मना रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवसेना पर तंज मारते हुए एक ट्वीट कर लिखा है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। आगे शिवराज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 105 सीटें हमारे पास हैं। शिवसेना ने धोखा किया, लेकिन जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है उसमें वो खुद गिरता है। और अपने ट्वीट को दोहराया, स्थिर सरकार विकास के लिए काम करने वाली सरकार और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में बीजेपी ने पहले भी बहुत शानदार काम किया है। वो सीएम बने हैं, स्थिर और विकास की सरकार बने, इसी में महाराष्ट्र का कल्याण है। स्वाभाविक सरकार बनी है, NDA को बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, 105 सीटें हमारे पास, शिवसेना ने धोखा किया, लेकिन जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है अंततः खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है, उनके हाल तो ये हो गए, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। स्थिर सरकार, विकास के लिए काम करने वाली सरकार, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में
महाराष्ट्र में भाजपा सरकार ने पहले भी बहुत शानदार काम किया है और इसलिए देवेंद्र जी स्वाभाविक नेता थे वहाँ, वो मुख्यमंत्री बनाए, वो मुख्यमंत्री बने हैं स्थिर सरकार देने के लिए और विकास के लिए, इसी में महाराष्ट्र का करना। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट में लिखा, फिर भाजपा महाराष्ट्र में अंततः वही हुआ जो तय था। भाजपा कभी हार नहीं मानती और पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति ने ये साबित भी कर दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को बधाई। विजयवर्गीय ने यह भी ट्वीट किया कि आधी छोड़ साजी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। शकुनी मामा के कारण महाभारत में कौरव वंश का विनाश हुआ। अब लोग पूछ रहे हैं कि शिवसेना को समाप्त करने की सुपारी लेने वाला शकुनी शिवसेना के अंदर कौन है। उन्होंने ये भी लिखा कि अमित शाह को राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता, जो जीता वही सिकंदर। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में संविधान का माखौल उड़ाया गया है। उद्धव ठाकरे से अपील है कि शिवसेना सड़कों पर उतरे, कांग्रेस उनका पूरा साथ देगी। रातों रात क्या हुआ पता नहीं। एनसीपी का कोई विधायक बीजेपी के साथ नहीं है, केवल अजीत पवार उनके साथ गए हैं। दिग्विजय ने सवाल किए हैं कि क्या एनसीपी के विधायकों के हस्ताक्षर का पत्र राज्यपाल को सौंपा गया है। उन्होंने गोवा में भी ऐसा किया था और महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं। यही देवेंद्र फडणवीस थे जिन्होंने अजीत पवार के भ्रष्टाचार को अपने चुनाव में मुद्दा बनाया था। अब उसका क्या होगा, यह चुनौती है उद्धव ठाकरे जी को कि क्या ताकत है उनकी, यह सड़क पर उतर कर बताएं। दिग्विजय ने ट्वीट कर मोदी पर निशाना साधा है। लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को चुनावी नारा दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब उनका नारा है खूब खाओ और खूब खाकर खिलाकर भाजपा में आ जाओ और ईडी सीबीआई और आईटी से मुक्ति पाओ, क्योंकि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। पाप का घड़ा फूट कर रहेगा। चुनाव के पहले मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद खूब खाओ, खाकर खूब खिलाओ और ईडी आईटी सीबीआई से मुक्ति पाओ। महाराष्ट्र में सरकार बनने का जश्न बीजेपी ने भोपाल में भी मनाया। पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई और कहा कि बीजेपी ने जनता के जनादेश का सम्मान किया है। महाराष्ट्र में सरकार बनने की खबर के बाद भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि शिवसेना की हट धर्मिता के कारण अस्थिरता का दौर बना हुआ था, उसका पटाक्षेप हो गया। यह असत्य पर सत्य की जीत है, अभिमान और घमंड पर जीत है। बीजेपी ने शिवसेना को सम्मान दिया था, लोकतंत्र शतरंज का खेल नहीं है। ये जनादेश की जीत है, असत्य पर सत्य की जीत है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभिमान और घमंड पर विनम्रता की जीत है। जो जनादेश मिला था उसका सम्मान हुआ। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी और देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बधाई दूंगा। केवल महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार नहीं बनी, बल्कि महाराष्ट्र की जनता ने जो जनादेश दिया था उसका आदर और सम्मान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। लोकतंत्र केवल शतरंज का खेल नहीं है। मुझे जीतना है इसलिए दूसरे को हरा दूं, मेरी लकीर लंबी हो इसलिए दूसरे की मिटा दूं। लोकतंत्र में जनता जो जनादेश देती है उसका सम्मान करना चाहिए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की शपथ बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के लेने के बाद जहां एक तरफ बीजेपी जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार के मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि रातों रात महाराष्ट्र का समीकरण बदलने से जनता के साथ बीजेपी ने धोखा किया है। महाराष्ट्र में प्रजातंत्र की हत्या हुई है, हम इसकी निंदा करते हैं। महाराष्ट्र में अभी बताया कि एनसीपी ने मिली, हिंदुस्तान में राजनीतिक लोगों की जो सोच है वो दिनों दिन गिरता जा रहा है। जो उनका समाज के प्रति, जनता के प्रति एक तरह की धोखा है और प्रजातंत्र के साथ अन्याय है, ये ऐसे लोग प्रजातंत्र को धीरे धीरे बदनाम कर रहे हैं और समाप्त करने की ओर कार्रवाई कर रहे हैं। अब खबर हनी ट्रैप की। एक साल पहले तक मध्य प्रदेश में जिस एसके मिश्रा की तूती बोलती थी, वह एसके मिश्रा भी हनी ट्रैप मामले में
लिप्त पाए गए हैं। एस के मिश्रा और हनी ट्रैप की मुख्य किरदार श्वेता जैन आपस में गंदी बात किया करते थे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह एस के मिश्रा हुस्न जाल में फंसे हुए थे। आम लोगों से कभी सीधे तरीके से पेश न आने वाला यह अफसर मधु में लिपट कर श्वेता जैन के साथ गुलामों की तरह पेश आता था। शिवराज सरकार में सरकार की आंख कान और नाक माने जाने वाले एस के मिश्रा की करतूतों का खुलासा होना शुरू हो गया है। एस के मिश्रा भी हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं, या यो कहें कि खुद हनी का स्वाद चखने के लिए बेचैन नजर आए हैं। एस के मिश्रा की चाल तो हमेशा ही संदिग्ध रही है, लेकिन अब उनके चरित्र का पंचनामा भी सबके सामने है। एस के मिश्रा की बातें सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। एस के मिश्रा को न सिर्फ श्वेता जैन की याद सताती थी, बल्कि वो हुस्न परी का साथ पाने के लिए बेचैन और बेताब भी नजर आए। ये वही एस के मिश्रा है जिनके कारण पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर भी आरोप लगे। एस के मिश्रा के कारण ही पिछली सरकार में शिवराज सिंह जैसे आदमी का बैंड बजा। हनी गैंग से जुड़े चार चिरकुट पत्रकार और श्वेता जैन टाइप की महिलाओं से एस के मिश्रा हमेशा घिरे रहते थे। मध्य प्रदेश माध्यम में एस के मिश्रा के पत्रकार साथी और हनी बालाओं की एंट्री खुद एस के मिश्रा ने कराई थी। मिश्रा जी इस चौकड़ी से ये चाहते थे कि उनके दिल के करीबी ये लोग डिसेंट अंदाज में आए। मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी मिश्रा और श्वेता का वार्तालाप आप भी सुनिए। हेलो हेलो यह हु इज दिस श्वेता? हाँ जी, एस के मिश्रा बोलो जी। आपके फोन से किसी ने कॉल किया था मुझे। आपके वो दूसरे वाले नंबर से कॉल आया था? नहीं तो अच्छा, मैं तो ये मे बी माइट बी समबडी कॉल्ड एक्सीडेंटली ना। ओके, वेयर आर यू? आई एम एट होम। कॉल मी व्हेनेवर यू फ्री ऑन दिस नंबर। आई एम फ्री राइट नाउ, नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाट डिड यू वांट? यू डोंट गेट अ पार्ट आउट? नो, नॉट अलोन, एवरीबॉडी स्लीप्स, सो I mean husband and kids. No, I'm in the balcony actually. तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा कि बैठते हैं थोड़ी देर बाहर, बारिश दिखते हैं। भोपाल में बारिश हो रही है। I'm in Chennai. Okay, Chennai में है। तो रेंज यू मस्ट बी लुकिंग मोस्ट सेक्सी। I don't know. There's nobody to tell me. आप होते तो बताते। बड़ी बढ़िया बातें। Nahin, because I don't know your family composition. No, it's not like that. If I'm traveling, then there's not a problem. Like, to aapka baare hai. I'll be back maybe day after tomorrow. Okay. You'll be a long kiss. Ah, you're so sweet, you know. You too. I've been daily missing you up. Whenever you want to meet me, just give me a call or send me a SMS. Sure. Well, whenever you come to my office, yeah. This is just one person. Come and meet for a decent way. That is the only issue. Huh? Yeah, I always try to come in a decent way because I know office ka ek there's a decorum, so we have to see. Yes. So having fun alone. Alone, maybe. You are great, great, great. I said, you too. What are you wearing? I'm wearing a nightie. Red. मध्य प्रदेश के चर्चित पत्रकार जीतू सोनी ने अपने अखबार सांझा लोक स्वामी में एस के मिश्रा और श्वेता की लव स्टोरी का खुलासा किया है। और एक अफसर स्त्री देह के चक्कर में पड़कर कैसे अपने पद और कद की गरिमा गिराता है, इसका खुलासा हुआ है। एमपी के पूर्व जनसंपर्क मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के बाद जनसंपर्क विभाग के ही प्रमुख सचिव रहे एस के मिश्रा का हनी ट्रैप कनेक्शन बताता है कि कुएं में किस तरह भांग घुली हुई है। एस के मिश्रा हनीबाला से जिस तरह डर्टी टॉक कर रहे थे, वो बताता है मध्य प्रदेश की अफसर शाही का एक चेहरा ये भी है। हेलो, वांट टू सी यू नेकेड नाउ? नेकेड राइट नाउ? शो मी नाउ। ओके, आई जस्ट गो टू द वॉशरूम एंड क्लिक फीचर्स। ओके, what we were doing the fun. So much fun. We just got very less time to have fun.
I'm over you, you know. I want to come over on over you and, you know, just make you badly, badly mad. I want to come back. I'll talk to you, baby. Jay? I love you. I love you too. I'm seriously missing you so much. I want to lick you. Lick you for long. Lick you badly. Yeah, I want to. You stopped me from doing that, but I seriously want to lick you badly. Because yours is too hot. Like a hot iron rod. Your pussy is so lovely, baby. Is it? Yeah. Is it? Really? Why are you so far? Why are you so far? You must spend at least 2 nights together. We must spend 2 nights together. Yes, we should. Yes. No condoms between, no protection. You sure? You sure? Yes, I'm sure. Then I need to have a pill then. Yes, this is absolute lovely. Yeah, but yeah, we can try that sometime. Like fewer times, we can do that. We'll watch together movie, and it's going to spice up everything. You like different styles, doggy and we need to try all those. Okay, I'll try with you. Yeah, and me over you. Yeah. I just can't wait. You come inside me. I'm dying. You are with me today. Yeah, fuck me hard. डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास ताज सांता क्रूज है. ताज सांता क्रूज. ओके. तो मैं कुछ मैंने किसी को बोला है रूम. तो तुम्हारा पूरा नाम क्या? श्वेता जैन. ठीक है, तो एस जैन के नाम से भेजूंगा मैं. सरकार और सिस्टम को अपने पैरों की धूल समझने वाले इस अफसर और श्वेता जैन की बातचीत इतनी गंदी है कि जैसे कोई सड़क छाप मजनू. एसके मिश्रा के बारे में इस खुलासे के बाद इतना तो तय है कि हनी ट्रैप मामले में सरकार इसमें शामिल लोगों के नामों का खुलासा भर कर दे तो राजनीति से लेकर अफसरशाही तक में कई सफेद कॉलर लोग अय्याशियों के दलदल में काले नजर आएंगे. आप देख रहे हैं दखल न्यूज. ये तो थी हनी ट्रैप की दास्तान. फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्कूल शिक्षा विभाग ने जिलों के विकास खंडों में निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूल में काउंसलिंग सेंटर खोले जाने का फैसला किया है। कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों की भी काउंसलिंग की जाएगी। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर 2 काउंसलरों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि ब्लॉक लेवल पर हमारी तैयारी चल रही है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिले के विकास खंडों में निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में काउंसलिंग सेंटर खोले जाएं, जहां कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों की भी काउंसलिंग की जाए। इसके लिए प्रत्येक विकासखंड स्तर पर 2 काउंसलर की नियुक्ति भी की जाएगी। काउंसलर की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जो हमारे शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। ब्लॉक लेवल पे उसको तैयारी चल रही है और जो हमारे शिक्षक हैं उनको ही जो प्रशिक्षित करेंगे, जिससे कि जो बच्चे हैं पास हो जाते हैं सब्जेक्ट चयन में या दूसरी और भी जिज्ञासाएं होती हैं, वो जानकारी लेंगे, उनको मिलेगी तो अच्छा रहेगा। रेल मंत्रालय भारत सरकार के PSC रेलवे बोर्ड चेयरमैन रमेश चंद्र रथ ने संकल्प लिया है कि वो किसी भी हाल में भोपाल स्टेशनों पर अश्लील साहित्य नहीं बिकने देंगे। सिंधी सेंट्रल पंचायत ने रेलवे बोर्ड PSC के अध्यक्ष का संत हिरदाराम नगर में स्वागत किया। रेल मंत्रालय भारत सरकार के PSC रेलवे बोर्ड चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न का कहना है कि देश के किसी भी स्टेशन पर किसी भी कीमत पर अश्लील साहित्य को बिकने नहीं दिया जाएगा। अश्लील साहित्य लिखने वाले पहले इस तरह की पुस्तकें अपने घर परिवार के सदस्यों को पढ़ने के लिए दे, बाद में बेचकर दिखाएं। 2 दिन पूर्व ही भोपाल स्टेशन का निरीक्षण करते हुए उन्होंने बुक स्टॉल पर ओशो एवं खुशवंत सिंह के कथित अश्लील साहित्य को वहां से हटवा दिया था, जिसके बाद विदेश भर में सुर्खियों में आ गए थे। संत हिरदाराम नगर की सिंधी सेंट्रल पंचायत, थोक वस्त्र व्यवसाय संघ तथा अनाज व्यापारी संघ द्वारा संयुक्त रूप से रखे गए स्वागत कार्यक्रम में रमेश चंद्र रत्ना ने कहा कि स्टेशनों ट्रेनों में यात्रियों को न केवल सही भोजन व सुविधाएं मिले, बल्कि उन्हें साहित्य भी अच्छे पढ़ने को मिले, यह हमारी जिम्मेदारी है। इससे पूर्व स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पर समुचित यात्री सुविधाओं के अलावा अन्य व्यवस्थाएं हों, इसका प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम आयोजकों को दिल्ली आमंत्रित किया ताकि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष मांगे रखी जा सके। सभागार में मौजूद छात्रों को उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं परिवार के एक सदस्य को कानून की पढ़ाई जरूर कराने का आह्वान किया। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह की भरपूर प्रशंसा की और कहा कि आज दुनिया में अगर देश का मान बढ़ रहा है तो इसका मुख्य कारण देश का वर्तमान प्रधानमंत्री है। इससे पूर्व तीनों संस्थाओं के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ समाज सेवी हीरो ज्ञान चंदानी, नितेश लाल, कन्हैया लाल, इसरानी, जगदीश आसवानी सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने रमेश चंद्र रत्न का शॉल, श्रीफल एवं हार फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। संचालन एवं आभार पंचायत के महासचिव सुरेश जसवानी ने किया। ये भोपाल मंडल में नहीं था हमारा स्टेशन, ये रतलाम मंडल में आता था और इसका नाम परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ के लिए काफी समाज सेवियों ने प्रयास किया और साथ ही साथ यहाँ के विधायक जो हमारी पार्टी के हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका आग्रह और शिवराज जी का आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी का मानकर सुरेश प्रभु जी ने इसका तत्काल नाम परिवर्तन किया और माननीय पीयूष गोयल जी ने, मंत्री जी ने इसको तत्काल भोपाल मंडल में शामिल किया, इसको WCR जबलपुर मंडल में। उसके बाद से यहाँ पर अभी वर्तमान में 1.5 करोड़ का शेड और 65 लाख का कोच गाइडेंस का कार्य प्रारंभ हो गया, कोच गाइडेंस शुरू हो गया। इसके लिए हम आपके रेलवे विभाग का धन्यवाद करते हैं। राइटर कोई कितना भी अच्छा हो, किसी भी राइटर को भारतीय रेल, इसके अपने पैरामीटर्स हैं, इसका अपना अलग सिस्टम है। भारतीय रेल की स्टॉल पर कोई असली चीज नहीं बेची जा सकती। कोई साहित्य जो बायलॉज में दिया है शायद आप कैसा बेचेंगे, उसके अलावा नहीं बेचा जा सकता। असली साहित्य रेलवे में मुझे भी बायलॉज में दिया गया है कि मैं उसे एग्जामिन भी करूं, रिकमेंड भी करूं, क्या गलत हो क्या सही है, मैं निर्देशित भी करूं, मैंने वही किया। उस किताब पर लिखा था औरतें सेक्स लव लस्ट, तो इस तरह की भाषा रेलवे के किसी बुक स्टॉल पर मैं पसंद नहीं करता। टीकमगढ़ में पुलिस विभाग ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। स्वास्थ्य शिविर में पुलिस कर्मियों के साथ आम लोगों को भी स्वस्थ रहने के गुर सिखाए गए, साथ ही सभी को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस लाइन टीकमगढ़ में पुलिस विभाग ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया।
आयोजन पुलिस अधीक्षक अनुराग सजानिया के नेतृत्व में किया गया। स्वास्थ्य शिविर में पुलिसकर्मियों के साथ साथ आम लोग सहित डॉक्टर विशेष रूप से मौजूद रहे। शिविर में पुलिसकर्मियों का ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर और ECG किया गया। साथ ही लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। स्वयं पुलिस अधीक्षक अनुराग सजानिया ने रक्तदान कर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया और बताया कि रक्तदान से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और दूसरों का जीवन भी बनाते हैं। कार्यक्रम में पत्रकारों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पुलिस विभाग की ओर से पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन और ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया गया है। पुलिस अधीक्षक के मंशा के अनुरूप उनके आदेशानुसार जो है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री अनुरागी और उनकी टीम द्वारा आज हमारे आह्वान पर पुलिस लाइन में इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 50 लोग जो है ब्लड डोनेट करेंगे, जो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड उनका देंगे जो जिनकी आवश्यकता हॉस्पिटल में इमरजेंसी में होती है। खबर सिवनी से। छात्रावास से निकली एक 12वीं क्लास में पढ़ने वाली विकलांग छात्रा स्कूल नहीं पहुंची और गायब हो गई। इस मामले में स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल प्रबंधन बच्ची के स्कूल न आने की बात कहकर पल्ला झाड़ता नजर आया। आदिवासी विकास खंड लखनादौन के छात्रावास से 8 नवंबर को एक 12वीं कक्षा की छात्रा अचानक गायब हो गई थी। बताया जा रहा है कि छात्रा एक पैर से विकलांग है। छात्रा छात्रावास परिसर से निकलकर स्कूल गई थी, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंची। इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन का लापरवाह रवैया सामने आया है। स्कूल प्रबंधन बच्ची के स्कूल न आने की बात कह रहा है और पल्ला झाड़ रहा है। छात्रावास अधीक्षिका सुदामा ध्रुवे का कहना है कि हमने बच्ची के परिजन को इसकी सूचना दे दी है। शाम को जब लड़कियां आई हैं तब गिनती हुई तो वो नहीं थी जी। तब उनके माँ बाप को सूचना दिए कि नहीं ऐसी ऐसी बात होगी, आपकी लड़की नहीं आई, घर तो नहीं पहुंची। तो उन लोग कहने लगे कि नहीं मैडम नहीं आई है। तो हमने कहा ढूंढ पता करो कि जल्दी बताओ आप, हम रिपोर्ट करेंगे। कहने लगे अभी मत करो, हम रिश्तेदारों को ढूंढ लें। तो वो दो दिन तक ढूंढते रहे, फिर हमने फिर फोन करके बुलाया कि भैया आओ, मिली कि नहीं। इस पूरे मामले में आदिवासी विभाग का रवैया भी उदासीन नजर आया है। गौर करने वाली बात यह है कि जब छात्रावास का चपरासी स्कूली छात्रों को स्कूल लेकर जाता है तो फिर बच्ची आखिर गायब कैसे हो गई और कहां से हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे जिले से लगभग 7 से 8 नाबालिग बच्चियों के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जा चुकी है, जिसमें एक बच्ची का शव भी बरामद हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई करेगी या फिर इस मामले को भी गुमशुदा कर दिया जाएगा और यह केस भी फाइल में कैद होकर धूल खाता रहेगा। जी तो 8 तारीख से वो एब्सेंट जी जी, ऐसा पता चला है कि वो चली गई। छात्रावास की बहत आई थी तो पूछ रही थी कि वो राजकुमारी आई क्या करते हैं, वो लोग भी पता कर रहे थे जी। तो फिर हमने कहा पूछवाया क्लास में क्लास टीचर से जी। तो उन्हें बताई कि मैडम, क्लास टीचर ने बताया कि मैडम वो तो 8 तारीख को भी नहीं आई थी और आज भी नहीं। सर्दी के इस मौसम की शुरुआत होते ही मुस्कान क्लब ने 300 गरीब महिलाओं को कंबल वितरित किए। इस अवसर पर आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में समाजसेवी और आम लोग मौजूद रहे। मुस्कान क्लब ने चारधाम शिव मंदिर कम्युनिटी हॉल के पास 300 महिलाओं को कंबल वितरण किया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ठंड के मौसम को देखते हुए क्लब ने गरीब परिवारों को कंबल का वितरण किया। क्लब का कहना है कि हमारा सदैव यह प्रयास रहता है कि हम गरीबों की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सके। कार्यक्रम में आए लोगों ने क्लब के इस कार्य की सराहना की। लोगों ने बताया कि नगर की हर एक संस्था को मुस्कान क्लब की तरह गरीबों की सेवाएं करनी चाहिए। मुस्कान क्लब के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं, जो किसी न किसी रूप में हमेशा ऐसी सेवा कार्य करते रहे हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्लब के सदस्य, मंदिर समिति के सदस्य एवं महिलाएं मौजूद रहीं। मुस्कान क्लब पिछले 14 वर्षों से गरीबों को कंबल वितरित करता है और आज उसी करीब 300 गरीब महिलाओं को कंबल वितरित करता है। मुस्कान क्लब न केवल कंबल वितरित करता है बल्कि साल भर, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो तो पुस्तकें और स्टेशनरी सामग्री वितरित की जाती है, दिवाली हो तो मिठाई भी बांटी जाती है और पटाखे दिए जाते हैं, होली हो तो रंग गुलाल और मिठाई बांटी जाती है, और जब कभी बर्तन बांटे जाते हैं तो कभी अनाज बांटा जाता है, कभी चिकित्सा के शिविर लगाए जाते हैं। साल भर में 15 से 20 बार मुस्कान क्लब कार्य करती है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।